during one of the long dark evening just before Christmas. Christmas से पहले उस लंबी शाम के दौरान the master smith and his helper sat in the dark forge. मुख्य लोहार और उसका सहायक है वो उस ढलाई घर के पास में बैठे हुए थे near the furnace waiting for the pig iron और वो भट्टी के पास में बैठ करके एक जो लोहे का पिंड है उसका इंतजार कर रहे थे विच हैड बीन पुट इन द फायर जिसको कि आग में रखा हुआ था टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल और वो लोग इसको निहाई के ऊपर रखने के लिए तैयार थे एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास और यदा करता उन दोनों में से एक व्यक्ति उठता और उस जलते हुए पिंड को भभकाता विथ ए लॉन्ग आयरन बार एक बड़ी लोहे की छड़ से रेटनिंग इन ए फ्यू मोमेंट्स कुछ समय बाद में लौट आने के बाद में ड्रिपिंग विथ प्रेस्पायरेशन और उनसे जो पसीना है वो टपकता रहता दो यद्यपि एज वाज द कस्टम जैसा कि वहां पर परंपरा थी ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज वह एक लंबी शर्ट या कमीज और लकड़ी के जूते के जोड़े के अलावा कुछ भी पहने हुए नहीं था ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज और पूरे समय उस ढलाई घर के अंदर कई तरह की जो आवाज है वो सुनी जा सकती थी द बिग बेलोज ग्रोंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड बड़ी बड़ी जो धोकरियां हैं वो गूंज रही थी और जो कोयला है वो कड़क रहा था द फायर बॉय स्वर्ल्ड चारकोल इन टू द मा ऑफ द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर और जो आग जलाने वाला लड़का है वो अपने बेलचे की सहायता से कोयले को उस भट्टी के मुंह के अंदर डाल रहा था जिससे बहुत ज्यादा खड़खड़ की आवाज हो रही थी आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल और बाहर की तरफ एक झरना है वो गूंज रहा था एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ है और एक तेज उत्तरी जो तेज हवा है वो है उस इंटू की जो टाइल लगी हुई जो छत है उसके ऊपर उस लग रही थी इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइज और इन सब संभवतः इन सभी आवाजों के कारण देयर द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज मुख्य लोहार है वो इस चीज का ध्यान नहीं लगा पाया कि कोई व्यक्ति दरवाजा खोल करके अंदर प्रवेश कर चुका है अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस जब तक कि वह उस फर्नेस या भट्टी के पास में खड़ा होता श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबाउंड से और ये सब चीजें उन गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए असामान्य नहीं थी विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट और इससे अच्छा आश्रय स्थल रात के लिए नहीं हो सकता था टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज जो कि उस ढलाई घर से आकर्षित किया जा रहा था द ग्लो ऑफ लाइट विच एक्सपेक्टेड थ्रू द सूदी पेंस और द ग्लो ऑफ लाइट रोशनी है उसकी जो भभक है वो उस सूदी यानी काली के लगे हुए जो पेंच या खिड़की के शीशे हैं उनसे बच करके आ रही थी एंड टू कम इन टू वार्म देम सेल्फ और वो आकर के उन लोगों को वार्म यानी गर्मी दे रही थी इन फ्रंट ऑफ द फायर आग के सामने द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली और जो मुख्य लोहार है उसने केवल आकस्मिक रूप से देखा एंड इनडिफरेंट एट द इंट्रूडर और उदासीन तरीके से उस घुसपैठिए की तरफ ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप अनयूजुअली उसने इस तरह से देखा कि इस तरह के जो लोग हैं वो असामान्य रूप से डिड किया जाता है विथ ए लॉन्ग बियर्ड उन लोगों की लंबी दाढ़ी होती है डर्टी रेग्ड एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स और वो गंदा था फटे कपड़े थे और ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स चूहे धानियों का एक गुच्छा है डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट उसकी छाती पर लटके हुए थे ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे उसने वहां रुकने की परमिशन या अनुमति है वो चाहिए एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट होनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड और जो मुख्य लोहार है उसने अपनी जो सर हिलाकर के हाँ हाँ भर दी और घमंड
घमंडपूर्ण तरीके से उसको सहमति दी और एक शब्द भी उसके सम्मान में नहीं कहा। द ट्रेम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और उस ट्रेम्प ने कुछ भी नहीं कहा आइदर, या तो ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहां कोई बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह केवल वहां पर अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामेश्वर आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो रामेश्वर आयरन मिल है उसका मालिक है वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था। हुज ग्रेट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह थी कि वह अच्छी गुणवत्ता का लोहा है वो बाजार में भेजे। ही वाज बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, वह दिन व रात निगरानी रखता जिससे कि कार्य है वो अच्छी तरह से चल सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय ही केम इन टू द फोर्ज, वह उस ढलाई घर के अंदर आया। वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, अपने रात के निरीक्षण के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रैग मफिन, और सबसे स्वाभाविक रूप से उसने पहली जो चीज देखी कि एक लंबा गंदा आदमी हु हैड एस्केप्ड, ही हैड इज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो कि भट्टी के पास में आसानी से आ चुका था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेक्स, और भाप है उसके गीले कपड़ों से उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और जो मालिक लुहार है उसने मुख्य लुहार है उसका उदाहरण है उसका अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली नीड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और उसने वह जो अजनबी है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके नजदीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ही उसको सावधानी पूर्वक देखा। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लोच हैट, और तब उसने अपना जो आगे झुका हुआ हैट है उसको अलग कर दिया। टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि उसका चेहरा है वो अच्छी तरह से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, अरे निसंदेह अरे तुम हो नील्स ओलोफ, ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम देखो कैसे दिखाई देते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओनर मास्टर एट रामेश्वर, और जो चूहेदानी विक्रेता है उसने पहले कभी भी जो रामेश्वर का जो मालिक है उसको नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका क्या नाम है। बट लेकिन इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेटेंस, लेकिन उसके लिए गठित हुआ, उसने सोचा कि यदि यह भद्र व्यक्ति यह जानता है कि वह उसका कोई परिचित व्यक्ति है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो संभवतः उसको वह कुछ क्रोनर है वो दे देगा। देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, वह उसको धोखा नहीं देना चाहता था। All at once, और उसी समय, yes, हाँ, God knows things have gone downhill with me, भगवान जानता है कि मेरे साथ चीजें कितनी खराब हो गई, he said, वह बोला। You should not have resigned from the regiment, आपको पलटन से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था, said the iron master, उसे मालिक लोहार ने कहा। That was the mistake, और यही एक त्रुटि थी। If only I, यदि मैं Had still been in the service at the time, यदि मैं उस समय तक सेवा के अंदर रहता, it never would have happened, तो ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। Well, ठीक है, now, of course, you will come home with me, चल आप मेरे साथ में घर चलो। To go alone up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, उसे सामंत या बड़े घर के अंदर जाना और उसको वहां पर अपने आप को एक उसके पुराने साथी के रूप में स्वागत करवाया जाना। दैट हाउवर डिड नॉट प्लीज द ट्रेम्प, इस बात ने उस घुमक्कड़ को प्रसन्न नहीं किया। नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, ही सेड, वह बोला। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, सचेत होते हुए, ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने उन 30 क्रोनर की मुद्रा के बारे में सोचा।
to go up to the manure house would be like throwing himself violently into the lion's den, यानी शेर की मांद। और उसने सोचा कि उस मेन्योर हाउस या उस सामंत के घर में जाना अपने आप को स्वयं ही एक शेर की मांद में भेजने के समान है। He only wanted a chance to sleep here in the forge। वह उस ढलाई घर के पास में केवल सोने का एक मौका चाहता था। And then sneak away as inconspicuously as possible। और वहां से वह चोरी छिपे जाना चाहता था जितना कि संभव हो जाए। The iron master assumed that he felt embraced, और उस मालिक लोहार ने सोचा कि वह परेशानी महसूस कर रहा है, because of his miserable, क्योंकि उसकी जो दयनीय स्थिति है, clothing कपड़े, please don't think that, कृपया आप ऐसा मत सोचो, I have such a fine home, मेरे पास में बहुत अच्छा घर है, that you cannot show yourself there, that You cannot show, जहां पर आप अपने आप को नहीं दिखा पाओगे अपने आप को वहां पर। He said, वह बोला, Elizabeth is dead, Elizabeth है, वो मर चुकी है। As you may already have heard, ये तो आपने पहले ही सुन लिया होगा। My boy are abroad, और मेरे लड़के विदेश के अंदर हैं। And there is no one at home, और वहां पर घर पर कोई नहीं है, except my oldest daughter, केवल मेरी एक बड़ी पुत्री, and myself और मैं, यानी मैं और मेरी पुत्री के सिवाय घर पर कोई भी नहीं है। We were just saying, और हम केवल कह रहे हैं, that it was too bad we didn't have any company for Christmas, और हम तो ये कह रहे थे कि हाँ यह बहुत बुरा है कि हमारे पास में क्रिसमस के अवसर पर कोई किसी का भी साथ नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster, अब आप हमारे साथ में चलो और क्रिसमस का जो भोजन है उसको जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो। But the stranger said no, लेकिन उस अजनबी ने ना कह दिया, and no, और पुनः ना कहा, and again no, और एक बार पुनः ना कहा। And the iron master saw that he must give in, और इस समय iron master ने देखा कि उसको समर्पण या हार मान लेनी चाहिए। It looks as though Captain von Steinle preferred to stay, और यह ऐसा दिखाई दे रहा था कि कैप्टन स्टेनले उसको प्राथमिकता दी गई वहां रुकने की। With you tonight, आपके साथ में आज रात को। स्ट्रेजर स्टॉर्म नाम है ये। He said to the master blacksmith, उसने मुख्य लोहार को कहा, and turned on his heel, और उसी समय वहां से मुड़ गया, heel यानी एडी। But he laughed to himself, लेकिन वह अपने आप पर हंसा, as he went away, जैसे ही वह चला, and the blacksmith who knew him, और जो मुख्य लोहार जो उसको जानता था, understood very well, बहुत अच्छी तरह समझता था, that he had not said his last word, कि ये उसके अंतिम शब्द नहीं थे। It was not more than half an hour before. It was not more than half an hour before. और आधा घंटा भी नहीं हुआ था। They heard the sound of carriage wheel. उन्होंने एक गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी outside the forge, उस ढलाई घर के बाहर। And और a new guest came in. एक नया दोस्त अंदर आया। But this time it was not the iron master, लेकिन इस समय मुख्य लोहार नहीं था। He had sent his daughter, apparently hoping that he would have better power of persuasion. अब की बार उसने अपनी पुत्री को भेजा था, और यह आशा करते हुए कि उसकी मनाने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, then he himself अपने आप से। She entered, वह उसने प्रवेश किया, followed by a valet, और उसके साथ में एक निजी नौकर था। Carrying on his arm a big fur coat, और उसके हाथों के अंदर एक बालू वाला बड़ा कोट था। She was not at all pretty, हालांकि वह ज्यादा सुंदर नहीं थी, but seemed modest and quiet shy, लेकिन वह विनम्र और शर्मिली दिखाई दे रही थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. और उस ढलाई घर के अंदर प्रत्येक चीज वैसी थी जैसे कि पिछली शाम को। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, मुख्य लोहार और उसका जो प्रशिक्षु है या सहायक है वो एक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोइंग इन द फर्नेस, और आयरन लोहा और कोयला है वो अब भी उस भट्टी में जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और उस अजनबी ने अपने आप को फैला दिया था
फर्श या फर्श के ऊपर या आंगन के ऊपर, एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सर के नीचे एक लोहे का टुकड़ा लगा करके लेटा हुआ था। हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसका जो हेड है वो उसकी आंखों के ऊपर खींचा हुआ था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उस लड़की ने उसकी ओर देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास में गई और उसका हेड या टॉप है उसको हटा दिया या उठा लिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आईड ओपन, और वो जो व्यक्ति है या वांडर है वो अपनी एक आंख खोल करके सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रुप्टली यानी अचानक, सडनली वह अचानक उछला, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वह भयभीत दिखाई दिया। माई नेम इज एडला विलमनसन, मेरा नाम है वो एडला विलमनसन है, सैड यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सैड, मेरा पिताजी है, माई फादर केम होम, मेरा पिताजी घर आया, एंड और कहा, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टू नाइट, कि आप आज रात इस ड्राइगर के अंदर सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने उनसे अनुमति लेकर के आपको मैं घर ले जाना चाहती हूँ। आई एम श्योर सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप एक कठिन समय गुजार रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपनसेनेटली, उसने उसकी ओर सांत्वना की दृष्टि से देखा। विथ हर हैवी आईज, उसकी भरी हुई आंखें, एंड देन शी नोटिस्ड, और तब उसने देखा, दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि वह व्यक्ति डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो उसने किसी का कुछ चुरा लिया या फिर वह जेल से भग करके आया है। शी थॉट एंड एडेड क्यूकली, उसने सोचा और एडेड क्यूकली, और जल्दी ही तुरंत उसमें जोड़ दिया, यू मे बी श्योर, आपको इस चीज के लिए आश्वस्त होना चाहिए कैप्टन दैट यू विल बी अलाउ टू लिव यू जस्ट एज फ्री एज यू कैम, आपको घर से वापस आने की उसी प्रकार से अनुमति होगी जिस स्वतंत्रता के साथ आप चलोगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल आप कृपया हमारे साथ में इस क्रिसमस की संध्या के पास हमारे साथ में ठहरो। शी सेड दिस, उसने ये सब कहा इन सच ए फ्रेंडली मैनर, एक विनम्र भाव के साथ में, दैट द रैट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और उस समय जो रैट्रैप पेडलर है या चूहेधानी बेचने वाला पैदल घुमक्कड़ है, उसने उसके अंदर विश्वास देखा, महसूस किया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ में कभी भी घटित नहीं हुआ, दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, आप अपने आप को मेरे साथ में परेशान महसूस करोगी मिस श्रीमती, ही सेड, वह बोला। आई विल कम एट वंस, मैं अभी चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वह रोए वाला कोट है उसे स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हेडेड हिम विथ ए डीप बो, जिसको कि उस निजी नौकर ने बहुत ज्यादा झुक करके सम्मान के साथ में उसको दिया था। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने अपने फटे पुराने कपड़ों पर उसको डाल लिया। एंड फॉलो द यंग लेडी आउट द कैरेज, और उस लेडी का अनुसरण किया और वह उस कैरेज या गाड़ी के पास चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ, और विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और इस प्रकार वह जो लुहार है उसने बिना किसी आश्रय के साथ में देखा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैन्योर हाउस ही हैड इविल फोरबिडिंग सी, और जब वह मैन्योर हाउस के लिए यात्रा कर रहा था तो उसने अनिष्ट की आशंका हुई। वाही द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, क्यों मैंने उस व्यक्ति की उस साथी का मैंने धन लिया था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, मैं अब एक जाल के अंदर फंस गया हूँ और इसे कभी नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज क्रिसमस ईव, वह क्रिसमस की शाम थी। एंड वेन देयर ओन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब वह मालिक है वो खाने के कमरे के अंदर आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो उसने संतुष्टि पूर्वक
अपने पुराने साथी की ओर देखा। Who he had run across so unexpectedly, जिससे कि वह अचानक मिला था। First of all, we must see to it with that he gets a little flesh on his bones. सबसे पहले उसको अपनी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ा लेना चाहिए, यानी कुछ खा पी लेना चाहिए। He said to his daughter, उसने अपनी पुत्री को कहा, who was busy at the table, जो कि खाने की टेबल के ऊपर व्यस्त थी। And then we must see that he gets something else to do, और तब हम उसे देखेंगे कोई अन्य चीज, then to run around the country selling rat traps, जो कि वो देहाती जो चूहेदानी बेचने वाले हैं उनके साथ में होती है। It is clear that things have gone downhill with him, और ये एक विचित्र बात है कि उसकी चीज साथ में परिस्थितियां ज्यादा खराब हो गई। As badly as that, इतनी ज्यादा खराब, said the daughter, उस पुत्र ने कहा। Last night, पिछली शाम, I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man, कि पिछली शाम यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो एक शिक्षित व्यक्ति है। You must have patience, आपको धैर्य रखना चाहिए, my little girl, मेरी छोटी लड़की, said the father, पिताजी ने कहा। As soon as he gets clean and dripped up, जैसे ही वह साफ हो जाएगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा, dressed up, इन कपड़े पहन लेगा, you will see something difficult, तो आप उसके अंदर कोई चीज, समथिंग डिफरेंट, भिन्न चीज पाओगे।